dear children, how are you? Hope you are fit and fine and taking good care of your health. So children, earlier we discussed about the three layers of the earth, and then we have also discussed about the rock cycle, and then let us now discuss about the minerals. Okay, this is our last topic. This is the last topic of this chapter. So children, as we have discussed earlier, a rock has a single or combination of several minerals in addition to mass of the earth material. जैसे कि हमने discuss किया था कि एक rock में एक mineral भी हो सकती है या combination भी हो सकता है several minerals का, साथ में earthen material means मिट्टी वगैरह भी हो सकती है और भी कई चीज़ें हो सकती हैं. Okay, then these minerals are present in small or large quantities at any given site of the earth. ऐसा नहीं है कि सारी minerals सारी earth पे uniformly distributed हैं, बराबर बराबर बंटी हैं, ऐसा नहीं है बेटे. different different sites पे minerals हमें मिलती हैं, ठीक है, different different earth के different parts में, world के different different parts में. okay, so most common minerals occurring inside the earth, जो सबसे common हमारी mineral है बच्चे जो earth के insides हमें मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? सबसे कॉमन मतलब बहुत ज़्यादा हैं अर्थ में, जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, माइका एट्सेट्रा, ठीक है, बॉक्साइट एंड लेड. इवन बेटे जो नमक खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, वो भी एक मिनरल होता है. ओके, और जितने भी हमें मिनरल्स पता हैं, ऑफ ऑल द मिनरल्स नोन टू अस, सबसे हार्डेस्ट कौन सी है बच्चे? सबसे हार्डेस्ट वन जो है आपकी, दैट इज़ डायमंड. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस. जबकि जो ग्रेफाइट है वो ब्लैक कलर का होता है, ग्रीसी ग्रीसी होता है, थोड़ा चिपचिपा नेचर में, ये सबसे सॉफ्टेस्ट होता है एक तरह से, बट ये मिनरल होती है ग्रेफाइट. आप ग्रेनाइट ना समझें इसे, ग्रेनाइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है. ओके, ग्रेफाइट डिफरेंट होता है, जिससे आपके पेंसिल के टिप बनते हैं. ओके, दैट इज़ ग्रेफाइट. ओके, और जो ग्रेनाइट होता है, जिसकी शेल्स वगैरह बनती हैं घर में, ओके, तो ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, जबकि ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड के बाद. ओके, और बच्चे जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मिलती हैं हमें अर्थ में, कुछ बहुत ज़्यादा जैसे आयरन बहुत ज़्यादा है, और भी कई चीज़ें हैं, कॉपर सिल्वर भी है, लेकिन जो और ऑर्नामेंट्स बहुत कॉस्टली होते हैं वो बहुत कम होते हैं. जैसे डायमंड भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तभी ये कॉस्टली होता है. वैसे ही प्लैटिनम जैसे ये गोल्ड की तरह ऑर्नामेंट्स इससे बनते हैं, लेकिन ये बहुत कम है क्वांटिटी में. मतलब ऐसा बोला जाता है कि जैसे एक बड़ा सा कमरा ले लो, एक बड़ा गोडाउन, बस उसके बराबर ही प्लैटिनम है पूरे अर्थ में, इतना सही है. तो कुछ जो है हमारे पास बहुत कम है मिनरल्स और मेटल्स, और कुछ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आयरन की तरह. तो मिनरल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है बेटे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस एंड लस्चर. उनके कलर को देखते हुए, उनकी हार्डनेस को देखते हुए, और लस्चर मीन्स चमक को देखते हुए, थ्री कैटेगरीज में इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, सो ये वन वर्ड का क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई मिनरल्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, हार्डनेस एंड लस्चर, ये वन वर्ड का बन जाता है आंसर. अदरवाइज ये ई पार्ट का भी आपका पीछे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मीन्स 5 मार्क्स वाला. तो उसमें एग्जाम्पल्स पूछे हुए हैं मिनरल्स के रिगार्डिंग, और हाउ वी कैन आइडेंटिफाई मिनरल्स. गॉट इट? सो यू कैन सी डिफरेंट रॉ मिनरल्स, रॉ होती हैं जो कच्ची मिनरल्स होती हैं. ओके, अभी जैसे बॉक्साइट है, कच्चा ये ऐसा दिखता है, फिर ड्यू टू इसको रिफाइन किया जाता है, पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है जिससे बॉक्साइट को अलग किया जाता है. ओके, दिस इज़ आयरन. देखो आपको आयरन कैसे रॉ स्टेट में कैसे मिलता है, जब ये ओर होता है जब कच्चा कोई चीज़ होती है, चाहे वो मिनरल है या मटीरियल है या ऑयल है, तो वो कच्ची उसमें ये आयरन ऐसा दिखाई देता है. फिर इसको जब दोबारा से मेल्ट वगैरह करेंगे तो आयरन अलग हो जाएगा, और जो अर्थन मटेरियल मिट्टी वगैरह है वो अलग हो जाएगी. ओके, सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. ओके, सो रिवाइज द चैप्टर. सो चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चंस आल्सो. सो बच्चे, देयर कम्स, टेक द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट सर्वाइव इनसाइड द अर्थ ड्यू टू, सभी को मालूम है, ये हमने कर भी लिया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं इनसाइड रह सकते अर्थ के, ड्यू टू क्या है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर. सो फर्स्ट वन इज़ राइट, ए ऑप्शन इज़ राइट. देन अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज आर कॉज्ड बाय, किस तरह आते हैं ये? अगेन इंटरनल डिस्टर्बेंसेज, जो मैंने आपको क्लियर किया था कि अंदर क्या है आपके,
टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह अगर हिलती हैं तो उससे अर्थक्वेक आ जाता है. ओके, अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस. देन रिस्पेक्टिव लेयर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर, ऊपर से नीचे तक लेयर्स जो थ्री हैं उनको बताओ. तो सबसे पहले सबको मालूम है क्रस्ट, देन मेंटल एंड देन कोर. ये आप खुद कर सकते थे वैसे. ओके, दिस इज द राइट आंसर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ओके, देन फुल फॉर्म ऑफ सीमा, दिस इज द प्रीवियस चैप्टर क्वेश्चन. फुल फॉर्म ऑफ सीमा इज सिलिका एंड मैग्नीशियम, SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिलिका एंड मैग्नीशियम. ओके, देन देयर कम्स लास्ट, द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच जिनाइस फॉर्म्ड इज नोन एज ग्रेनाइट. ग्रेनाइट से ही बेटा आपका जिनाइसिस बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक में जब ये कन्वर्ट होता है. ओके, और ग्रेनाइट आपकी इंट्रूसिव रॉक है जब ये धरती के अंदर बनती है. जब ये बाहर बनती है देन इट इज़ नोन एज बेसाल्ट. और जब ये चेंज कर लेती है अपने आप को, व्हेन इट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक देन इट इज़ नोन एज जिनाइसिस. जिनाइस और जिनाइसिस कुछ भी कह सकते हैं आप. देन देयर कम्स बेटा फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 क्या बिलियन, मेरे ख्याल से तो बिलियन है लेकिन बुक में कई जगह मिलियन लिखा है तो मेरे ख्याल से यहाँ बिलियन होना चाहिए. ठीक है, देन देयर कम्स द बिहेवियर ऑफ डैश वेव्स. अभी आप आंसर नहीं डालेंगे तो पता कैसे चलेगा अर्थ के इंटीरियर के बारे में, हमें कौन सी वेव से पता लगता है. तो दिखती बात है जो अर्थक्वेक से रिलेटेड होती हैं, सिस्मिक वेव्स. ठीक है, सिस्मिक वेव्स मीन्स अर्थक्वेक रिलेटेड, सिस्मोलॉजी मीन्स अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं, और जो उन्हें स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को सिस्मोलॉजिस्ट्स कहते हैं. ओके, एंड जहाँ पे मेन अर्थक्वेक बन रहा होता है उसका मेन फोकस होता है, दैट फोकस इज नोन एज एपिसेंटर. ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है. ओके, देन द डैश क्रस्ट, डैश ऑफ क्रस्ट, तो थिकनेस ऑफ क्रस्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. डिस्कस की थी हमने पहले ये लाइन कि जो क्रस्ट की थिकनेस है वो अलग अलग जगह पे वेरी करती है. इट इज़ डिफरेंट, कहीं पे ये 60 किलोमीटर्स है कहीं पे ये 100 किलोमीटर्स है. ओके, देन फोर्थ वन, रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर, थ्री ग्रुप्स में बांटा गया है ना रॉक्स को, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, कि वो कैसे कैसे बनती हैं. जैसे इग्नियस रॉक्स लावा के बाद कूल डाउन होने के बाद बनती हैं. फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्स टूटते हैं इग्नियस रॉक से तो सेडिमेंट्स लेयर बन जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई. फिर वो दोबारा से इंटेंसिव हीट के कांटेक्ट में आती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, तो वो अगेन मेटामॉर्फिक रॉक. फिर अगेन मेटामॉर्फिक आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? इग्नियस रॉक्स. दिस इज रॉक साइकिल. देन लास्ट वन इज द डैश इनर कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकेल. तो आपने याद रख लेना, निकेल एंड आयरन में कौन सी लेयर रिच होती है? इनर कोर इज रिच इन आयरन एंड निकेल. जबकि आपकी जो क्रस्ट है वो सियाल में रिच होती है, सीमा आपकी किस में मिलती है? मेंटल में. ओके, देन देयर कम्स बच्चे सिंगल टर्म वाला क्वेश्चन आ गया. अभी मैंने आपको बताया था कि डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डायमंड. देन सेकेंड वन, मॉल्टन मटीरियल प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, जब जो ये पिघला हुआ मटेरियल अर्थ के अंदर रहता है तब इसे क्या कहते हैं? देन इट इज़ नोन एज बच्चे मैग्मा. जब ये बाहर आ जाता है देन इट इज़ नोन एज लावा, लेकिन जब तक ये इनसाइड रहता है अर्थ के देन इट इज़ नोन एज मैग्मा. देन थर्ड वन, रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा. तो जो रॉक्स का कैसे बनती हैं? जब मैग्मा आपका सॉलिडिफाई हो जाता है. तो इग्नियस रॉक्स, ये हमने अभी भी डिस्कस की थी पहले के टॉपिक्स में भी, कि इग्नियस रॉक्स बनती हैं लावा के कूल डाउन होने पर. ओके, और वो जब सॉलिड हो जाता है. देन फोर्थ वन, फोर्थ वन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, जब मैं वीडियो सेंड करूँगी तब दिखाई दे जाएगा आपको. सो शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, जब शेकिंग करती है अर्थ तो उसे क्या कहते हैं बेटे? दिखती बात है अर्थक्वेक. ठीक है, अर्थक्वेक. एंड लास्ट वन इज़ बच्चे अ नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स. ये किसकी डेफिनेशन है? रॉक की, कि एक नेचुरली अकर सब्सटेंस होता है, सॉलिड होता है, वो मिक्सचर ऑफ मिनरल से बनता है. क्लियर? ठीक है, सो दैट्स ऑल इन एक्सरसाइज. अब यहाँ पे लास्ट के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं. लुक एट हियर, अर्थक्वेक एंड रॉक. क्लियर? सो फिल योर पेजेस अकॉर्डिंगली जैसे हमने किया है. ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ टॉपिक. रिवाइज योर टॉपिक बच्चे. ओके.